सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए आज बनाते हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारी वेजिटेबल्स को बॉईल करने रखना है। इसमें 5 से 6 सीटियाँ आपको लेनी है, अच्छे से एकदम मैश्ड हो जाएंगे। बीट रूट मैंने कलर के लिए ऐड किया है, जस्ट फॉर कलर। इससे कलर बहुत एकदम स्ट्रीट स्टाइल कलर आता है पाव भाजी का। ब्रोकली ली है मैंने, कॉर्न, पोटैटोज और ये लौकी। ये ऑप्शनल है, आपके पास जो वेजीज हैं पाव भाजी में वो सब चलती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। पानी डाल के नॉर्मली विसल्स लगा दें, 5 से 6, या आप उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। देन वी आर टेकिंग द पैन एंड ऐड द ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि मेरी वेजिटेबल ज़्यादा थी। अगर आपकी कम है तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर सिंपली ज़ीरा ऐड करेंगे और हम ऐड करेंगे एकदम डाइस हुई हुई अनियंस एंड छोटी छोटी कटी हुई हरी मिर्चें। जस्ट बिकॉज मुझे हरी मिर्चें पसंद है इसलिए मैंने डाली। अगर आपको नहीं पसंद टोटली स्किप, ये आपकी मर्जी है। अनियन को डाइस करना है, स्लिट करना है, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने चॉप किया है। अच्छा, अब ये कोई सब्ज़ी नहीं है, दिस इज़ अ पाव भाजी, वो भी स्ट्रीट स्टाइल है। तो अनियन को ब्राउन नहीं करना, स्लो फ्लेम पे कुक करना है। जो अनियन की जो स्वीटनेस होती है ना नेचुरल, वो बाहर आएगी बस, ठीक है। इतना ही आपको अनियन को पकाना है, ज़्यादा बिल्कुल मत पकाइएगा वरना वो अच्छा टेस्ट नहीं करेगा। एकदम स्ट्रीट स्टाइल ना आपका बन नहीं पाएगा। तो छोटे छोटे टिप्स जो इन बिटवीनली मैं दे रही होती हूँ उसको प्लीज़ गौर से सुना करें और फॉलो किया करें। जब भी आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा तो टोमेटोज़ यहाँ थोड़े ज़्यादा यूज़ करने हैं क्योंकि पूरा जो हमारा एक बेस है वो हम अनियन टमाटो बेस रख रहे हैं पाव भाजी में। और टमाटर को जल्दी पकाने का एक छोटा सा ट्रिक, इसमें हम ऐड कर देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। उससे टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है, तो आप ये ज़रूर फॉलो करिएगा टिप। और इसे अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 से 4 मिनट तक कवर करके मैंने रख दिया था। जब एकदम टमाटो मुशी मुशी टाइप के हो जाए ना, दैट मीन्स आपके टमाटर पक चुके हैं। अब मैं इसे लिड लगा के बंद कर दूँगी और 2 मिनट बाद ये रहा। ये इतना ऑयल देख के प्लीज़ वो मत हो जाना, हमारे यहाँ ज़्यादा तेल ही खाया जाता है तो मैंने अपने अकॉर्डिंग डाला है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं बेसिक मसालों का यूज़ कर रही हूँ, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, चाट मसाला पाउडर और मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है। अगर नहीं पसंद टोटली स्किप कर सकते हैं। साथ में एकदम स्ट्रीट वाली बनाने की जो टिप है, वो सबसे बड़ी टिप ये है कि आपको यूज़ करना पड़ेगा पाव भाजी मसाला। कोई से भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक ब्रांड को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ। जो आपको अच्छा लगता हो आप उस ब्रांड का ही यूज़ करें। मसाला डालने से पहले एक बार उसे थोड़ा सा टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा, देन अपनी पाव भाजी में ऐड कीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, मसाला ना रखा हुआ दे देते हैं वो शॉपकीपर्स, तो उस वजह से ताकि आपकी सब्ज़ी में बिल्कुल भी ऐसा टेस्ट ना आए जो आपको वेयर्ड लगे, तो एक बार उसे थोड़ा टेस्ट कर लीजिएगा। वेजिटेबल्स हमारी बॉईल हो चुकी हैं, मैंने बहुत अच्छे से इन्हें मैश किया है। अच्छा, स्वीट कॉर्न को मैश मत कर देना क्योंकि वो थोड़े ऐसे ही अच्छे लगते हैं, उनको मैश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने साथ में उबाला है, आप उनको अलग भी उबाल सकते हो। बीट रूट से कलर बहुत ज़बरदस्त आता है, तो 1 या 2 बीट रूट तो ज़रूर यूज़ करिएगा। अब आपको अपनी भाजी पकानी है और इस टाइम पर आप थोड़ा बोर भी होने वाले हो तो एयरफोन्स में गाने लगा के अपना टाइम पास करें और इसको थोड़ा थोड़ा चलाते रहें। और इतना पकाना है कि भाजी जो है ना आपकी सब्ज़ी तेल रिलीज़ कर दे अपने अंदर से, ऑयल को बिल्कुल छोड़ दे। आपको ऑयल ना उसके सरफेस पे दिखने लगेगा, दैट मीन्स कि आपकी सब्ज़ी अच्छे से कुक्ड है। अभी आप देखिए मैंने पानी डाल के मिक्स किया है, कुछ इस तरीके से ये पक रही है। 2 मिनट बाद का कुछ ऐसा नज़ारा है इसका। लिड लगा के आप इसे रख सकते हैं, लिड लगाने से थोड़ा ज़्यादा जल्दी वो कुक्ड हो जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया है फॉर सम टेस्ट, और आप चाहो तो ऑयल की जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में, वो आपकी मर्ज़ी है टोटली, ठीक है। अब अलग से एक स्ट्रीट स्टाइल का जो टिप है वो आपको दे रही हूँ ताकि एकदम वैसी ही पाव भाजी बने। बटर यूज़ किया है,
उसके अंदर एकदम सीक्रेट वाला आपको शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये आपको कोई नहीं बताएगा ठीक है। जो उनका जो एकदम मेन होता है ना, जिससे उनकी पाव भाजी में इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है, वो इसी तड़के की वजह से टेस्ट होता है। इसके बाद पाव भाजी मसाला आपको थोड़ा सा बचा के रखना है इनमें फॉर द तड़का। इसमें थोड़ी सी रेड चिली डाल देना है, रेड चिली पाउडर, और मिक्स कर लेना। और ये ध्यान रखना है कि रेड चिली आपने पाव भाजी में भी ऐड किया है पाउडर, तो बिल्कुल भी ज़्यादा मत डाल देना, कहीं ज़्यादा हो जाए तो उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा बटर को गर्म करके हम अपनी पाव भाजी के ऊपर डालेंगे, और पाव को भी टोस्ट करना है। फिर देखो कितनी कितनी अच्छी लग रही है ना, एकदम लग रही है ना स्ट्रीट स्टाइल। देखो जो स्ट्रीट स्टाइल में उनकी जो एक रौनक होती है ना, वो इस तड़के से आती है, जो आपको कोई नहीं बताएगा। सिर्फ मैंने अपना सीक्रेट शेयर किया है आपके साथ, तो इसी सीक्रेट पे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। पाव भाजी हो चुकी है रेडी बिल्कुल, ये एकदम स्लोमो के साथ आपके मुंह में पानी लाते हुए। और बताओ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में, और मुंह में पानी आया या नहीं आया इसे देख के भी बताना। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, बाय बाय।